यहाँ बहुत सारे हमारे नजर मौजूद हैं, वो गवाही देंगे, हमारे फसल भाई मौजूद हैं और तमाम मौजूद के बुजुर्ग हैं। ये कलाम जो मैं पढ़ने लगा हूँ, ये कलाम मैंने अपने बचपन से सुना, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक कलाम से आ रही है। मुल्तान में फजल ने बताया कि हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। इनकी वालदा से पूछा, वो कह रही हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। कौशल भाई आप हाँ बचपन से और कोई बुजुर्ग आप भी सुल्तान साहब कह रहे हैं हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप भी बचपन से सुनते आ रहे हैं और इसी तरह से सुनते आ रहे हैं, तर्ज तब्दील तो नहीं थी। और 95 ईयर्स के बुजुर्ग होने मिले, वो संकटरा के रहने वाले थे, लाहौर में मेजिस में मेरे साथ वहाँ पढ़े थे, फेसबुक पर उन्होंने वीडियो डाली भी है, तो वो उनसे मैंने ऐसे ही पूछा जैसे आपसे पूछ रहा हूँ। इनके नाना माशाल्लाह इस वक्त 98 ईयर्स के हैं और खुदा उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आपका नाना ये वो बचपन से सुन रहे हैं, इसी तरह वो भी 97 की हैं। इनकी नानी की आवाज़ में एक रिकॉर्डिंग की उन्होंने मुझे सुनाई थी कि जो आपने पढ़ा है कि हमारी नानी पढ़ती है, इन्होंने देखा हमारे भी नाना नानी, हमारे दादा खुद जाकर थे बहुत से लोगों में कामयाब, मेरी वालदा जाकर हैं। क्योंकि मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि हमारी नस्लों को पता चले कि बड़ा पुराना, अक्सर लोग ये समझते हैं जैसे हम अपने नौही की तरफ खुद बनाते हैं या नौही लिखवाते हैं, तो लोग अक्सर समझ रहे होते हैं कि ये हमने जो हमारी नई नस्ल है जिनको नहीं पता, जो छोटे बच्चे, उन तक पैगाम क्या है कि ये नुहा पुराना ही लिखा हुआ है और इसकी तर्ज भी बड़ी पुरानी है, जो बुजुर्गों के बचपन से, जो अभी जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनके भी बचपन से ये इसी तर्ज में, इसी नौहे इसी तर्ज में, इसी शायरी में पढ़ा जाता है। हाँ, मैंने कुछ अशार इसमें शामिल सवाब होने के लिए हजरत साहब से लिखवाए हैं, लेकिन कलाम ओरिजिनली तो जिसने भी लिखा है और बहुत सारे लोग इसने अशार इसमें शामिल करते रहे, वाला सबकी अजदारी कबूल फरमाए, मिलकर अजदारी कीजिएगा ताकि ये नोहा जैसे हम अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, आने वाली नस्लों में भी इसी तरह जारी रख रहे हैं। यही सोचकर मैंने इसको रिकॉर्ड कराया था ताकि नई जदीद रिकॉर्डिंग में ये कलाम महफूज रहे आने वाली नस्लों और दौरान हाजिर के लोगों के लिए भी। तो ये बातें मैं इसलिए इन बच्चों को बताने के लिए कि ये नोहा बड़ा पुराना है, जब भी इस नोहे को सुनो तो अपने तमाम बुजुर्गों को याद रख के सुना करो ताकि शामिल सवाब हो। या हुसैन